नमस्कार दोस्तों, नॉलेज ए टू जेड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान पत्रिका ने अभी भी अपनी एक कट ऑफ जारी की है, वो मैं आपके बीच शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, आप भी इसको गूगल में जाकर चेक कर सकते हैं, राजस्थान पत्रिका लगाना और ई पेपर आ जाएगा, वहाँ दोस्तों आपको ये न्यूज़ मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। विशेष शिक्षा 678, संस्कृत, सिंधी और उर्दू को छोड़कर सभी विषय अंग्रेजी में रहा आसान। नेक्स्ट, यहाँ से शुरू करता हूँ दोस्तों। आवेदन तिथि पूरी होने के बाद से ही सभी लोग अपने अपने हिसाब से कट ऑफ बता रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार अंग्रेजी विषय में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर है। शिक्षक भर्ती में सर्वाधिक पद होने तथा पिछली भर्ती में इसी विषय में सर्वाधिक पद होने से कट ऑफ अन्य विषयों की तुलना में कम रहेगी। विशेषज्ञों की माने तो इस विषय में 62 से 65% के बीच कट ऑफ रहने की संभावना है। वहीं सामाजिक अध्ययन और संस्कृत में पद कम तथा अभ्यर्थी अधिक होने के कारण 70% से ऊपर रहने की संभावना है। जानकारों की माने तो हिंदी और गणित विज्ञान की कट ऑफ 67% से ऊपर ही रहेगी। आगे पढ़कर सुना देता हूँ दोस्तों। यूं तैयार होगी कट ऑफ। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल 2 में वेटेज सिस्टम लागू होने से सीधे रीट की परसेंटेज के आधार पर कट ऑफ जारी नहीं होगी। इसके लिए रीट के प्राप्तांक की 70% और स्नातक के मार्क्स की 30% मिलाकर कट ऑफ परसेंटेज तैयार की जाएगी। जैसे ही किसी अभ्यर्थी के रीट में 80% अंक आए हैं और स्नातक में 70% अंक मिले हैं, तो इस पर उस अभ्यर्थी के लिए रीट के 80% की 70% मतलब 56% और स्नातक के 70% के 30% मिलाकर 21% जोड़ा जाएगा। इस प्रकार उस अभ्यर्थी के कट ऑफ योग्य अंकों और 21% मिलाकर 70% अंक होंगे। तो दोस्तों, ये पत्रिका ने अपना सर्वे जारी किया है, तो मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ आपको। इन्होंने दोस्तों इंग्लिश की 62 से 65 के बीच बताई है, ये दोस्तों इन्होंने हाईएस्ट बताई है 62 से 65 के बीच। नेक्स्ट यदि बताऊँ दोस्तों सामाजिक और संस्कृत की बताएँ, तो दोस्तों इन्होंने हाईएस्ट 70% बताई है, हाईएस्ट बताई है इन्होंने। और इन्होंने दोस्तों हिंदी गणित विज्ञान की कट ऑफ 67% इन्होंने हाईएस्ट बताई है दोस्तों, ठीक है, कि मतलब इससे मतलब डाउन कम आने के चांस है, लगभग इससे ऊपर रहेगी दोस्तों। ये राजस्थान पत्रिका का सर्वे, आप खुद जाकर दोस्तों गूगल पर इसे देख सकते हैं। धन्यवाद।